हेलो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी न्यूज़ रहेगी दोस्तों टिकटॉक की। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों जो टिकटॉक की डील है वो फिलहाल होल्ड में है। जैंग यिमिंग ने कहा है दोस्तों उनका ऑर्डर है सारे एम्प्लॉयज़ को इसको होल्ड में डालो करके, वो कि इसलिए है दोस्तों मैं कल एक वीडियो बना के डाला था, एक नया रूल अपडेट हुआ है चाइना की गवर्नमेंट से एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल करके। उसके जरिए से ये बताया गया है कि बाइट डांस को लाइसेंस प्लस अप्रूवल लेना होगा चाइना की गवर्नमेंट से, तो ये डील होल्ड में करके जैंग यिमिंग ने कहा। दोस्तों सारी डिटेल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलो फ्रेंड्स चलते हैं इसके सारे डिटेल्स पे। दोस्तों इसके डिटेल में जाने से पहले एक और चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे ढेर सारे फैमिली मेम्बर्स हैं एक ही सवाल करते हैं, टिकटॉक कब आएगा, हेलो कब आएगा, लाइकी कब आएगा। अब रही बात टिकटॉक की न्यूज़, तो मैं रोज़ रोज़ देता रहता हूँ, जो बाकी के 58 ऐप्स जो है दोस्तों इसकी न्यूज़ मेरे को नहीं मिल रही है। दोस्तों जैसे ही मेरे को मिलेगी मैं वो भी आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। आप देख सकते हो मैं ढेर सारे वीडियोस उस पर भी बनाया हूं। जब जब मेरे को न्यूज़ मिलती है मैं बनाता हूं, जब नहीं मिलती तो मैं बना नहीं सकता, क्योंकि आपको झूठा वादा कर नहीं सकता। तो एक और फैमिली मेंबर है दोस्तों, उन्होंने ये बताया था, एक पर्टिकुलर जो नए थे उनको जवाब देना चाहता हूं, फेक न्यूज़ है भैया करके बताए थे। भैया एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वो बात बोलने से पहले फेक न्यूज़ करके एक बार गूगल कर लो भैया, पढ़ लो, फिर आके जो मर्जी में आता है आप कह सकते हो भैया, क्योंकि सच्चाई को जमाना है नहीं। जो झूठी न्यूज़ देता है उस पर तो ढेर सारे व्यूज ढेर सारे लाइक्स आ जाते हैं भैया, समझो मेरे इसमें 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाते, क्योंकि मैं सच्चाई बताता हूँ। अगर मैं झूठ बोलता मेरे भी लैक्स ऑफ व्यूज़ रहते भैया, इतना तो मैं वादा करता हूँ। तो चलो फ्रेंड ज़्यादा आपका वक्त जाया करना चाहता, चलते हैं इसके सारे डिटेल्स पे। तो पहले इस पर बात करेंगे दोस्तों, बाइट डांस के जो फाउंडर हैं जैंग यिमिंग, इन्होंने ये कहा दोस्तों स्ट्रिक्टली जो चाइना के नए रूल्स बने हम लोग उसको फॉलो करेंगे, ये हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हम लोग चाइनीज सिटीजन है करके इन्होंने कहा दोस्तों। तो पहला इनका प्रोसीजर रहेगा, चाइना का जो भी एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल नया अपडेट हुआ है हम लोग इसको फॉलो करेंगे करके इन्होंने गवर्नमेंट को कहा है दोस्तों, उनकी चाइनीज गवर्नमेंट को कहा है, उनकी लोकल गवर्नमेंट को कहा है। तो पहला ये था दोस्तों। दूसरा उन्होंने एक और चीज़ ये कही है, जो फिलहाल नेगोशिएशन चल रहा है, जो कि डील की बातचीत चल रही है, किसको बेचना है, कैसा बेचना है, कौन सी कंपनी को बेचेंगे, किससे ज़्यादा फायदा होगा, ये बातचीत ऑलरेडी चालू पे है करके उन्होंने कहा। इस चीज़ को रोक देने के लिए इन्होंने ऑर्डर दिया है दोस्तों अपने सारे टिकटॉक एम्प्लॉयज़ को, जो कि बाइट डांस के एम्प्लॉयज़ हैं, सारे एम्प्लॉयज़ को इसको रोक दो पहले करके इन्होंने कहा है दोस्तों। और उसके बाद एक और चीज़ इन्होंने ये कही है, जो भी प्रोसीजर गवर्नमेंट का, हमारी गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, पहले इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर ये नेगोशिएशन पे जाएंगे करके जैंग यिमिंग ने कहा है दोस्तों। सोचा ये आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। समझो दोस्तों अब ये प्रोसीजर कितना लंबा जाएगा पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है 8-10 दिन और एक्स्ट्रा लगेंगे इस चीज में करके। ये तो अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि पहले चाइना की गवर्नमेंट जो है इनका प्रोसीजर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको लास्ट में एक्सप्लेन करता हूं। जो बाइट डांस के फाउंडर है जैंग यिमिंग, इन्होंने एक और चीज़ ये कही है, हम लोग जो भी अपने और ऐप्स हैं, बाइट डांस के ढेर सारे ऐप्स हैं दोस्तों, बस टिकटॉक नहीं, हेलो भी जमा आता और ढेर सारे ऐप्स हैं, सारे का सारा अप्रूवल एक साथ लेंगे करके इन्होंने कहा है दोस्तों। वी विल सीक ऑल अप्रूवल्स विद दिस पर्टिकुलर इश्यूज करके इन्होंने ये कहा है दोस्तों। सोचा ये भी आप लोगों तक पहुंचा देता हूं, जिसमें हेलो भी शामिल होता है दोस्तों, जो हेलो के यूजर्स हैं उनके लिए ये अच्छी बात है दोस्तों। अब एक और बात इधर पे ये कही गया दोस्तों, अलीबाबा और जो टेंसेंट की कंपनीज हैं, इन्होंने भी ये कहा हम लोग भी इसके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको भी यही सेम रूल लागू होता है करके इन्होंने कहा दोस्तों। हम लोग भी चाइनीज हैं तो हमारे लिए भी सेम रूल रहेगा, बाइट डांस के लिए डिफरेंट, हमारे लिए डिफरेंट नहीं, सबके लिए एक ही रूल रहेगा, तो हम लोग भी इसके साथ काम कर रहे हैं, इसके पीछे काम कर रहे हैं, जो जो करना है अभी से कर रहे हैं करके इन्होंने कहा। बस इतना कहा है, जो फर्दर डिटेल्स है इन्होंने अभी तक रिवील नहीं किया दोस्तों, जैसे ये मेरे को मिलेगी मैं वो भी आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। एक और चीज़ ये है दोस्तों, इंटरनेट, चाइनीज इंटरनेट यूजर्स जो है दोस्तों, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है जैंग यिमिंग को यूएस के डील पर लेके। आप मतलब जैंग को ये कहा गया है कि तू डर गया है, तू मतलब चाहे यूएस की बोली पे चल रहा है, वो जो कह रहे हैं वो करता जा रहा है, तू फट्टू है, मतलब सोचो दोस्तों जो जो मर्जी में आता है कहते जा रहे हैं। भाई कहने के लिए बहुत ही आसान है, सोचो एक बिलियंस ऑफ रुपीस कंपनी ओन करने वाला जो एक आदमी है वो आज इतना परेशान है इसके बैन पर लेके, उसकी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई है, बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है, पर उसकी जगह पे आप एक दिन रह के देखोगे तो आपको पता चलेगा वो कितना परेशान है करके। कहने के लिए जो भी मर्जी में आया कह दो भाई, भाई सिर्फ 5-10 हज़ार के नुकसान को झेल नहीं सकती आज की माहौल की पब्लिक, पर वो बंदा तो बिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान झेल रहा है फिलहाल, बस इंडिया में उसको एक दिन का बिलियंस ऑफ रुपीस का लॉस होता जा रहा है, फिर भी वो बंदा एकदम काम है और सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है भाई। अब वो चाइनीज है या इंडियन है हमारे को कुछ लेना देना नहीं, बस एज ए ह्यूमन बींग मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूं दोस्तों। अब क्रिटिसाइज किया दोस्तों तो अच्छा नहीं लगा मेरे को, सोचा ये भी आप लोगों तक पहुंचा दो। एक और आखिरी चीज ये दोस्तों, मेरा ओपिनियन, क्या आपको सही लग रहा है क्या करके एक बंदे ने हम पूछा था लाइसेंस देना, अप्रूवल मांगना, भाई एकदम सही है भाई। सोचो ये डील खत्म हो जाती, ऐप चालू हो जाता, फिर चाइना की गवर्नमेंट लाइसेंस मांगती, अप्रूवल मांगती, फिर रोक के रखती, आपको तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है।
जो भी होना है अभी हो गया तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मेरा कहना है दोस्तों। अब समझो, अब डील कल खत्म हो भी जाती, डील खत्म कल हो जाती, फिर परसों चाइना की गवर्नमेंट बोलती आपने लाइसेंस नहीं लिया, ये नहीं लिया, फिर मैं हम लोग आपको बैन कर देंगे, रोक देंगे, किसकी परमिशन से आप लोगों ने बेचे करके, चाइना की गवर्नमेंट इंडिया को कहती या फिर यूएस को कहती तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारा ऐप है, आप कैसे खरीद लिए इसको, बगैर हमारे परमिशन के आप ऐप नहीं ले सकते, तो बैन कर देंगे हम लोग करके, अब ये तंग करेंगे। तो बेहतर है जो भी होना है इसकी डील से पहले हो जाए, एकदम नीट प्रोसीजर होके ये ऐप फिर वापस आ जाए तो बेहतर रहेगा दोस्तों, मेरे लिए, आपके लिए करके नहीं, पूरी वर्ल्ड के लिए। सोचा मैं ये आपको बता देता हूं। और जैंग ने भी यही कहा है दोस्तों, इतने सारे प्रॉब्लम्स मैंने झेल लिया, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, हमारे लोकल गवर्नमेंट का रूल है, तो मैं इसका भी जो प्रोसीजर है पूरा करूंगा करके, जो डील है फिर वापस उसको चालू करूंगा करके, जैंग यिमिंग ने कहा है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी न्यूज़। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय।